Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल और टेक्निकल मिस्टर प्रिंस में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कोई ऐप नहीं बताऊंगा, बल्कि एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे आप VPN से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमें कोई ऐप नहीं चाहिए। दोस्तों, एक तो ये वीडियो मैं इसलिए बनाई कि बाज मोबाइल में जो है वो स्पेस नहीं होती, और जो है लोग जो हैं वो VPN कई किस्म के कर लेते हैं, वो पैड होते हैं, और जो मतलब खरीदने वाले होते हैं तो फिर जाके कनेक्ट होता है, और बाज़ जो हैं सर्वर एरर दे देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक ऐसी जो है वो आपको आज तरीका बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप फ़ायदा उठा पाएंगे। दोस्तों, जब मोबाइल का अपना जो है VPN का ऑप्शन है तो हमें क्या ज़रूरत है किसी के VPN को जो है यूज़ करने की। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिकमेंड करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट जो है वो मौसूल होती रहे। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है किसी भी ब्राउज़र में, और दोस्तों ऊपर आपको लिखना है VPN बुक और गो कर देना है। दोस्तों, उसके बाद आपके सामने ये जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपने इस पर क्लिक करना है। बाद आपके सामने कुछ यूं आ जाएगा, होंगे ये वेबसाइट ओपन हो गई। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है PPTP पे। तो दोस्तों, आपके सामने ये कुछ सर्वर आ गए हैं। इन सर्वर को अब यूज़ कैसे करना है, आपने सेटिंग में जाना है दोस्तों। सेटिंग में जाना है, अगर VPN की ऑप्शन आप मिल जाए, मेरी जहाँ पे है मैं तो वहाँ जा आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे VPN जो है यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, लेकिन जो है वो आपको तरीका मैं अभी बता देता हूँ। आपको अगर ना मिले तो आपने क्या करना है, दोस्तों सबसे ऊपर सर्च का जो है वो बटन नज़र आ रहा होगा आपको, आपने उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपने लिखना है VPN और सर्च मार कर देना है। दोस्तों, सर्च करने के बाद आपके सामने जो है वो VPN शो हो जाएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपने क्लिक करना है ऐड VPN पे। जब आप ऐड VPN पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो नेम मांग रहा है, तो यहाँ पे आपने कोई भी नेम दे देना है। मैं USA VPN नेम दे रहा हूँ, आपने कोई भी दे देना है, अपना नेम दे दें चाहे। फिर ये मांग रहा है सर्वर एड्रेस, तो सर्वर एड्रेस हमें मिलेगा दोस्तों यहाँ पे ही। अगर आप वेबसाइट पे देखें तो यहाँ पे ही उसने जो है हमें कितने सर्वर बताए हुए हैं, VPN US1, VPN book.com, ये book.com। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा US1 VPN book.com लिखना है आपने। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने लिखना है US1 VPN book.com, US1 डॉट भी है आगे, तो आपने साथ डॉट भी लगा लेना है। उसके बाद आपने जो है वो सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों, आपके पास जो है वो कुछ यूं शो होगा, आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो यूज़र नेम जो है वो आपने दे देना है VPN बुक, और जो पासवर्ड है दोस्तों वो पासवर्ड भी यहीं लिखा हुआ है, ये अगर आप गौर करिए तो ये जो पासवर्ड है आपने वहाँ पे एंटर कर देना है FN7RBCA जी। दोस्तों, तो मैंने लिख लिया, अब आपने सेव अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और कनेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, कनेक्टिंग हो रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि VPN जो है वो बकायदा कनेक्ट हो गया है। दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जो VPN है वो कनेक्ट हो गया है।
तो दोस्तों कनेक्ट होने की जो सही पहचान है वो यही है कि दोस्तों आपको ऊपर जो है ये की का जो है वो जो ऑप्शन है वो नज़र आ जाएगा, की आइकन नज़र आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपका वीपीएन कनेक्ट हो गया। तो आप जाते हैं आईपी एड्रेस को चेक करते हैं कि हाँ यार हमारा जो आईपी एड्रेस है वो भी चेंज हुआ कि नहीं, क्योंकि जब वीपीएन कनेक्ट होता है तो आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। चलें दोस्तों अब आईपी एड्रेस चेक करते हैं। मैं आईपी एड्रेस लिख रहा हूँ, आप भी यही लिख लीजिएगा। तो दोस्तों आप जो है नीचे देख सकते हैं ये व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस, इसको आपने ओपन कर लेना है वेबसाइट को, या कोई भी ओपन करके देख लें, आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ यार वाकई जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो गया। दोस्तों इसका फ़ायदा ये भी है कि जो वेबसाइट ब्लॉक्ड है उनको आप अनब्लॉक भी कर सकते हैं सिर्फ एक आईपी एड्रेस चेंज करने से। दोस्तों मैं आपको एड्रेस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे यूएसए का एड्रेस बता रहा है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो यूएसए का है, यानी कि यूएसए से जो हमें इंटरनेट है ना वो प्रोवाइड हो रहा है, जो मुहैया हमें हो रहा है वो यूएसए वाले कर रहे हैं, कंट्री मलेशिया लिखा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी कमाल की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो है मेरी डेली वीडियोस जो हैं आपको उनकी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों उम्मीद है आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो नेक्स्ट मुलाकात है, जो अगली मुलाकात है वो अगली वीडियो में होगी। अल्लाह हाफिज़।